अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। ये मेरे पास वाइट प्याज है और ये जो है ना चिकन है, मतलब ये तकरीबन 250 ग्राम के करीब है। और ये जो है हरा प्याज है और ये हरा धनिया है। अब बस ये मैं इसको भूनूंगी। भूनने के बाद थोड़ा सा इसमें 1.5 टीस्पून जो है ना ऑलिव ऑयल का डाल रही हूँ। और ये मेरे पास जितने मसाले हैं सब हाफ टी स्पून के बराबर। बार बार इसलिए बताती हूँ मैं आप लोगों को, कभी गलती ना हो जाए। ये मेरे पास अजीनो हो तो हाफ टी स्पून है, ये भी कुटी हुई मिर्च हाफ टी स्पून है, ये मतलब पिंक सॉल्ट ये भी हाफ टी स्पून है, गार्लिक हाफ टी स्पून, जिंजर अदरक का पाउडर ये भी हाफ टी स्पून है, ओरिगानो मैंने इस पर लिया, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, ये भी हाफ टी स्पून है, पेपरिका बीच में पेपरिका है वो भी हाफ टी स्पून है। ये सारे मसाले मैं इसमें डालूंगी, बस हम थोड़ा सा इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे इन मसालों में, बस इनको ऑयल के साथ थोड़ी देर बस भूनना है। चिकन मैंने इसीलिए गला लिया था पहले ही। ये मेरा ठंडा हो गया बैटर, अब मैं इसमें जो है ना जो भी चीज़ें मुझे डालनी है वो मैं डालूंगी। चीज़ स्लाइस है ये मेरे पास, थोड़ा सा ये चिकन और फिर ऊपर से चीज़ स्लाइस, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। पर इसमें फोल्ड करने से पहले उंगली की मदद से लगा लें, ब्रश की मदद से लगा लें, ऐसे फोल्ड करना है आपको। अब मैं इसमें ये डाल रही हूँ, देखें फ्राई कर रही हूँ, तेल मैंने गरम कर लिया था पहले से, देखें फ्राई हो रहे हैं पर चीज इसमें से बाहर नहीं आ रहा, तो आपको भी इसी तरह फ्राई करना है, चीज बाहर ना आए इसका। देखें बहुत मज़ेदार सी ये लुकमी पिज्ज़ा बन गई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ तोड़ के, बहुत गर्म हो रही है, इसके अंदर चीज़ है बिल्कुल पिज़्ज़े की तरह है, और मैंने इसमें ओरिगानो भी डाला था, तो इसलिए आप इसके अंदर सॉस नहीं डाल सकते टमाटर की, जब डालेंगे फ्राई करेंगे तो वो निकल के बाहर आ जाएगी। चलें चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट कर आऊँगी एक नई और यूनिक रेसिपी के साथ। अल्लाह आपका हामी और नासिर रहे।